वंदे मातरम। देश में भारतीय समाज और मीडिया के साथ दो दर्जन से ज्यादा आरजीएस सकारात्मक बैठकें और टीम आरजीएस पॉजिटिव मीडिया न्यूज कवरेज का लगातार अनूठा आयोजन करने वालों की सकारात्मक राजनीति पर बैठकें जारी हैं। राष्ट्रीय राजनीति के गलियारों में सकारात्मक राजनीति की चर्चा शुरू कराने के लिए 20 राज्यों में आरजीएस सकारात्मक भारत अभियान चला रहे आरजीएस पत्रकार व समाज सेवियों की फैमिली कृत संकल्प है ताकि शहीदों के सपनों का भारत बन सके। क्या कहते हैं आरजीएस परिवार के लोग? सबसे पहले राम जानकी संस्थान यानी आरजीएस परिवार से जुड़े अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के पौत्र अमित आजाद ने कहा कि आज के माहौल में सकारात्मक भारत समय की मांग है। सभी को नमन है, वंदन है और बहुत बहुत एक बार जय हिंद करता हूं। मैं अमित आजाद। साथियों, हमारे जीवन में सकारात्मकता की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि बिना यदि हम निगेटिव और नकारात्मक सोचें, कोई भी हमें बड़ा काम करना है तो हमें निश्चित रूप से, या किसी हम इतिहास को उठा करके देख लें, कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, वो महात्मा गांधी से लेकर के शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद भगत सिंह, जिन्होंने, जिन युवाओं ने देश को आज़ाद कराया, वो भी सकारात्मक सोच रखते थे। अंग्रेजी हुकूमत ने चाहे उनको कितना ही दबाया हो, पर उन्होंने कभी नकारात्मक चिंतन अपने मन में आने ही नहीं दिया। ऐसा ही एक परिवार जिसका नाम है आरजेएस परिवार। जी हाँ, आरजेएस परिवार एक ऐसा परिवार है जो कि देश में सकारात्मकता के ऊपर काम करता है। मैं भी उसका एक सदस्य हूँ और हमारी पूरी टीम पूरे देश में ये चाहती है कि जो युवा तैयार हो रहे हैं, जो यूथ तैयार हो रहा है, या वो आम जनमानस है, उनके मन में एक सकारात्मकता का माहौल बनाना। और खास तौर से आप जानते होंगे, किसी भी देश के जो पत्रकार होते हैं वो उस देश की नींव होते हैं। पत्रकारों को खास तौर से आरजेएस परिवार और हम सभी मिल करके एक सकारात्मक चिंतन, एक सकारात्मक सोच, मनस्थिति, परिस्थिति सकारात्मक बनाने के लिए काम करते हैं हमारा ये परिवार आरजेएस। में आज एक आपातकालीन बैठक की गई। बैठक में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजीव जौली खोसला और राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा जी उपस्थित थे। बैठक में एक अहम निर्णय लिया गया। सभी राजनीतिक दलों को चेतावनी दी गई कि चुनावी सभाओं में धर्म का उपयोग ना करें, सिर्फ बात करें देश के विकास की, सिर्फ बात करें देश की उन्नति की, सिर्फ बात करें देश की, बात करें सिर्फ देश के बेरोजगार युवाओं की और देश के भविष्य बच्चों की, किसानों की, जवानों की। हमारी सभी से यही गुजारिश है, कोई भी इसमें धर्म का उपयोग ना करें, बात करें देश उन्नति की, देश विकास की। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजेश वर्मा राजमनार, भारतीय जनता पार्टी, 30 लोकसभा क्षेत्र, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। हम सभी साथियों को हमारे देश के चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, बहुत सारे जो देश के लिए कुर्बानियां दिए हैं हमारे पूर्वज, उनको ध्यान में रखते हुए, उनके सपनों को ध्यान में रखते हुए, आओ आज से एक नई राजनीति को जन्म दें। हम सभी राजनीतिक पार्टियों से भी कहना चाहेंगे कि हमारे देश में आज की डेट में सबसे ज़्यादा युवा हैं, तो मैं चाहूँगा कि सभी राजनीतिक पार्टियों के जो आला कमान है उनसे कहना चाहूँगा कि हम लोगों को भी उसी आधार में, उसी रेशियो में चुनाव लड़ने का, आगे बढ़ने का जो है आप प्रावधान रखें, और हम लोगों का भी ध्यान रखें, क्योंकि इतिहास गवाह है कि देश में जब जब परिवर्तन हुए हैं वो युवाओं ने ही किए हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि हमारे विचारों को सोशल मीडिया के माध्यम से, आरजेएस फैमिली के माध्यम से देश में सभी
छोटे नेताओं बड़े नेताओं तक पहुंचाया जाए, ताकि हो सकता है कि हमारे देश में आने वाले समय में युवाओं को भी भागीदारी मिले और देश को एक विकसित देश में एक सकारात्मक माहौल बनाने के लिए हम लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित किया जा सके। जय हिंद, जय भारत। और हम देश को खुशहाल बनाना चाहते हैं, देश के चेहरे पे मुस्कान देखना चाहते हैं, देश को विकास की गति पर तेजी से बढ़ता देखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आज मेरे देश की पहली ज़रूरत है कि जो नकारात्मक राजनीति देश में चल रही है, इसको तुरंत बंद होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, और देश में जो नए सिरे से सकारात्मक राजनीति का जो है वो प्रभाव तेज़ी से होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि राजनीतिक दल देश में राजनीति कर रहे हैं, समाज के भलाई के लिए वो लोग काम कर रहे हैं, उसमें पहले पायदान पे हमारे निगम पार्षद आते हैं, विधायक आते हैं, सांसद आते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं हमारे जो केंद्र में सरकारें बनती हैं, राज्य में सरकारें बनती हैं, कहीं ना कहीं जन कल्याण के लिए जो है वो सरकारें स्थापित होती हैं, उसको कहीं ना कहीं जनता वोट देकर बनाती है। और मैं मानता हूँ कि आज देश को सकारात्मक राजनीति की ज़रूरत है, और वही देश का विकास कर सकती है। तो नकारात्मक राजनीति को आज ही हमें त्यागना चाहिए। नमस्कार मित्रों। जो एकता की बात करें, सौहार्द की बात करें, भाईचारे की बात करें, जो विकास की बात करें, प्रगति की बात करें, विज्ञान और तकनीक की बात करें, सिर्फ बात ही ना करें अभी तो उन पर कार्य करें, ऐसा क्षमतावान नेतृत्व देश को चाहिए। ऐसे सकारात्मक नेताओं का हम चयन करें, ऐसे सकारात्मक उम्मीदवारों को हम चुने, इसी में देश की, समाज की, आपकी, मेरी, सबकी भलाई है। मित्रों, उम्मीद है आप इन बातों को ध्यान से समझेंगे और इन पर विचार करेंगे, और एक मजबूत सकारात्मक राजनीतिक नेतृत्व के हाथों में इस देश को सौंपेंगे, जिससे देश प्रगति की राह पर आगे बढ़ सके। धन्यवाद। जय हिंद मित्रों। कुर्वन्ने वेहम जिजी विशेषता समा। आरजेएस की यही सिद्धांत, यही मूल मंत्र है कि हम 100 वर्ष तक काम करते हुए जिएंगे और देश के लिए हर समय चिंतन करेंगे, इसका प्रत्येक व्यक्ति चिंतन करेगा। इसी के साथ मैं दंतेवाड़ा में जो शहीद हुए अच्युतानंद जी साहू, फिर से उनको नमन करता हूँ और आरजेएस को भी नमन करता हूँ। वंदे मातरम।